ये शॉकअप देख रहे हैं आप, अलाइनमेंट ये नट है, ये नट आप इस तरफ से बोल्ट के मुंह है, आप यहाँ से ढीला करके इसे खोल सकते हैं। खोलने के बाद ये कैलिपर बाहर आ जाएगा, उसके बाद आप ऊपर नीचे अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। इस चीज़ को एक यूट्यूबर खुद से करके होंडा का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बता रहा है। ये देख लो दोनों तरफ बराबर है, मेरे तो किसी भी अपसाइड डाउन शॉकअप में प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो हैंडल बार है, ये गैप आप देख रहे हो, मैंने अपना हैंडल एक बार खोला था। इस नट को अगर ज़्यादा टाइट ज़्यादा लूज रखेंगे उस हिसाब से ये गैप आता है। ये देखिए यहाँ पे ये हैंडल पहले मेरा जो था आगे था, अब मैंने उसको थोड़ा अपनी कंफर्ट के हिसाब से पीछे लिया हो, तो मैंने ये नट खोले थे, इसको टाइट करने के लिए ये वाला थोड़ा कम लूज़ किया था, वो टाइट किया था, इसलिए माइनर सा गैप आपको दिखेगा। वो कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, वो अपने टाइट करने पे, अगर चारों को इक्वल टाइट करेंगे तो वो परफेक्टली अपनी जगह पे प्लेस होगा। मुझे यही आपको बताना था, आप देख सकते हैं।